आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। प्रतिबंध नेवले के बालों से बने पेंटिंग ब्रश और उद्यान ब्रश व कच्चा माल बरामद। जी हां, बिजनौर से एयरकोर्ट दिल्ली लखनऊ व बिजनौर वन विभाग व वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने नगर के 3 ब्रश फर्मों से बड़ी मात्रा में नेवले के बाल से बने व अध बने प्रिंटिंग ब्रश बरामद की है। साथ ही काफी मात्रा में कच्चा माल भी बरामद किया है। 3 छोटे हाथी में भरकर माल सहित एक फर्म संचालक व 4 मजदूर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है टीम। जी हां, वहीं एक अन्य संचालक को पूछताछ हेतु किसी अन्य स्थान पर रखा गया है। कंजर्वेटर वन विभाग का कहता है कि ये माल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तराई के इलाकों से आता है, जहाँ नेवले काफी पाए जाते हैं। हम और भी जानकारी कर रहे हैं जहाँ जहाँ माल जाता है व जहाँ जहाँ कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वे मालिक हो या चाहे मजदूर हो, सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसमें मेन आरोपी वाली अभी भी गिरफ्तार से बाहर है, उसको तलाश किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस माल की कीमत तकरीबन 1 करोड़ आंकी जा रही है। नगर के कई स्थानों पर अचानक हुई छापेमारी से नगर में खलबली मची हुई है। चलो इधर, और भी बहुत कितनी जगह आज कुल 3 जगह पे छापा मारा गया है। बेसिकली नेवले की बालों को लेकर के पेंटिंग ब्रश बनाने का ये चल रहा था यहाँ पे। काफ़ी पेंटिंगों से इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे काम चलता है यहाँ पे। उसको वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम मिल करके आज बड़ा अच्छा कार्रवाई किया है। 3 जगह में काफ़ी माल बरामद हुआ है, जो पीछे दिख रहा है इसमें बड़ा हुआ है। ये बेसिकली देखिए, बाल से ब्रश बनाने का काम नहीं है। आप ये सोचिए कितना नेवलों को मारा हुआ है, तब जा करके इतना बाल आए। बाल आते हैं अलग अलग जगह से, जैसे इंटेलिजेंस कहता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और हमारा जो तराई इलाका है जहाँ जंगल है, बुंदेलखंड जो जगह है, राजस्थान है, जहाँ जहाँ नेवला पाया जाता है जगह, वहाँ पे वहाँ से नेवला मार मार करके बाल यहाँ पे पहुँचाते हैं। उन बालों से ये पेंटिंग का प्रश्न, एक नेवला से कितना बाल निकलता होगा आप सोचिएगा।